सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले डॉक्टर को शांति भंग में किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग को सिविल लाइन थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है, जहां इस पूरे मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अजमेर एसपी को कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया था। इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर डॉक्टर विनीत गर्ग को थाने पर बुलाया गया था और वह जब थाने आए तो लड़ाई झगड़ा करने लगे, जहां डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने शांति भंग में मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार किया है, उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं इस मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जी सर, क्या मामला था और किसको गिरफ्तार किया? आज दिनांक 6/8 को मेरे थाना आजा पे डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग है, जिन्होंने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी आपत्तिजनक, जिसके संबंध में थाना आजा पे बुलाया था। थाना आजा पे आके वो झगड़ा करने लग गए थे कि साहब मैं पोस्ट डाल सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, इस संबंध में मुझे कोई कह नहीं सकता, जिसने भी मेरी शिकायत की उससे मैं झगड़ा करूँगा। इस पर उनको शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया है और डॉक्टर साहब को समझा दिया गया, अब आगे उनको पेश किया जाएगा। आप भी लोगे? जी सर, क्या मामला था और किस तरह की कार्रवाई हुई है? आज सुबह हम एसपी साहब से मिले थे और जो निजी क्लिनिक संचालक जो एक डॉक्टर है उसके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टें धार्मिक भावनाओं को भड़काने से लगातार पोस्टें डाली जा रही है। कल भी जिस प्रकार राम भक्तों के द्वारा पूरे देश भर में दीपोत्सव का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आज एक पोस्ट जो वायरल चल रही है उस पोस्ट में उसने आपत्तिजनक पोस्ट डाली और कहा जो जो दिए जलाए उनके घर में चिताएं जले, ऐसे करके जो पोस्ट डाली है। एसपी साहब से जब हम मिले उसके बाद तुरंत एसपी साहब ने कार्रवाई करते हुए जो डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग है उसको आज सिविल लाइन थाने में लेकर आ चुके हैं। आगामी पुलिस के द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपने मामला दर्ज कराया है? बिल्कुल, मैंने एसपी साहब से पूरे मामले से अवगत कराया, साथ ही जो पोस्ट है उनका स्क्रीनशॉट भी एसपी साहब को हमने उपलब्ध कराया और उनको जानकारी दी कि शहर की जो सांप्रदायिक जो स्वार्थ है इसको बिगाड़ने का जो एक शिक्षित व्यक्ति जो डॉक्टर है, एक तरफ जिस डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, दूसरी तरफ वही भगवान के खिलाफ में लिखकर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई कर, आज देखते हैं उस पोस्ट पर जो भी है कानून सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाए। सर, क्या मामला था और क्या हुआ है? मामला ये था कि डॉक्टर विनीत कुमार जी गर्ग हैं, जिनका अपने मर्दंग ताकिज के पास में क्लिनिक है, ये आए दिन फेसबुक पर अभद्र भाषा के अंदर टिप्पणियां करते रहे माननीय मोदी जी के लिए। फिर कल तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अति कर दी, इन्होंने हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने वाली बात कर दी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने राम मंदिर के नींव का पत्थर रखा तो देश के अंदर पूरी ही खुशी की लहर थी, चारों तरफ मतलब एक अच्छा सा माहौल, जैसे कोई त्यौहार है, सभी ने अपने घरों के अंदर पटाखे भी जलाए, दिए भी जलाए, सबको दिल से खुशी थी। जब सुबह मैंने अपना फेसबुक ऑन करा तो मेरे मित्र ने एक पोस्ट सेंड करी, मैंने दिल को बड़ा दुख हुआ, मैंने क्या है देखा तो मालूम पड़ा डॉक्टर विनीत कुमार गर्ग हैं, इन्होंने इस तरह की गंदी हरकत करी जो कि मतलब इनको जिस पेशे से ये हैं वो इनको शोभा नहीं देता है, मतलब हमारी भावनाओं को ऐसा भड़काया कि हमें मजबूरन आज हमने एसपी साहब सबको भी ज्ञापन दिया और सिविल लाइन थाने के अंदर ही मुकदमा दर्ज कराया। तो तुरंत कार्रवाई होते हुए आज एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लिया और इनको इनके क्लिनिक से उठा के लाए हैं, अब इनसे पूछताछ चल रही है, इन पर कार्रवाई चल रही है और हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि इन पर अच्छी से कार्रवाई करें कि जिससे दोबारा ऐसी घटना ना घटे। संदीप तंवर, क्या है सर मामला पूरा? आज हमारे यहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अपने आप को जो कहते हैं डॉक्टर विनीत गर्ग करके हैं, उनका कई बार पूर्व में भी इनका आचरण रहा है कि ये फेसबुक का गलत उपयोग करके सोशल मीडिया के ऊपर अनगनन लिखते हैं। जिस प्रकार से कल राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसके ऊपर जो भी, क्योंकि हिंदू बहुल होने की वजह से सबको एक खुशी की लहर थी जिसको लेके सभी ने दीपक और फटाके छोड़े, उसको लेके उन्होंने एक अनगनन दी जो मतलब एक सभ्य पुरुष के लिए नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से पढ़े हैं, MBBS किए हुए हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 66A को हटाया उसका जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लिख के, तो ये दुरुपयोग है। इनका जो बनता है धार्मिक उन्नाद टाइप का एक वर्ड लिखा हुआ, जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, आप अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ लिख रहे हैं, आप मोदी जी के बारे में देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को उनके मुखटे को लेकर आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि वे भी हमारे पूजनीय हैं, वे भगवान हैं जिन्हें हम रोज़ मानते हैं, उनके बारे में जिस तरीके से
गलत लिख रहे हैं और उनकी तुलना उनसे करके और बताने की कोशिश कर रहे हैं वो एक गलत है। और ये एक गलत मैसेज जाता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे लिखता है और लिखने के बाद में, और ये करते हैं पहली बार नहीं, इन्होंने हर बार करते किया और हर बार माफ़ी मांगते हैं या उनके घर जाके माफ़ी मांगते हैं, थाने पे माफ़ी मांगते हैं। आज हम सभी में एक तरह का रोष इस बात का है कि जिस प्रकार से लिखा गया है इनके ऊपर एक कठोर कार्रवाई करें और एक मैसेज जाए लोगों को कि सोशल मीडिया का गलत उपयोग ना करें। सोशल मीडिया पे आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप लिखें पर अपने दायरे में लेके लिखें, अपने दायरे को हम भी लिखते हैं, दायरे में लेके लिखें, दायरे से बाहर निकल कर नहीं लिखें, उससे आप ही को तकलीफ होगी। तो हम तो ये कहेंगे आप प्रतिष्ठित हैं, आप भी सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, पर इस तरीके का कार्य करना मानव सेवा के विपरीत है। इसलिए मेरी तो यही है दरखास्त की आप इनके ऊपर एक बार थोड़ी सी ठोस कार्रवाई करें जिससे आइंदा कभी भी कोई व्यक्ति इस तरीके का चीज़ नहीं लिख सके। योगेंद्र ओझा।